नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्लॉग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल एक पावर बैंक एक इंसान की सबसे ज़रूरत चीज़ हो गई है। कोई भी चाहता है मुझे पावर बैंक चाहिए। बट इसे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। उसमें से मैं आपको बताता हूँ। एक एडवांटेजेस, आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ख़त्म हो रही है आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल टाइम पर आपकी मदद कर सकती है, ट्रैवल टाइम पर आपकी मदद कर सकती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। आप इसको यूज़ करते हैं, ये आपके फ़ोन से कनेक्ट रहती है, आप अपना फ़ोन बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बट इससे सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके फ़ोन के बैटरी पे पड़ता है, क्योंकि जब आप चार्ज करते हैं तो 1% ही वो बैटरी लेता है, बाकी वो फ़ोन यूज़ करता है। इसकी वजह से आपकी फ़ोन की जो बैटरी होती है वो फूलने शुरू हो जाती है और वो ख़राब होने लगती है, और 1 साल में उसको चेंज करना पड़ता है। ऐसा दिन हो जाता है कि एक बैटरी बस 1 महीना यूज़ करती है। तो पावर बैंक का सबसे डिसएडवांटेजेस ये है। अभी जैसे 10,400 का पावर बैंक का मेगाहर्ट्ज़ मिल रहा है, बट आपका फ़ोन 5,000 मेगाहर्ट्ज़ है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन 2 बार चार्ज हो जाएगा। आपका फ़ोन एक ही बार चार्ज होगा, एक फुल होगा और एक 85 नहीं तो 75 पे रुक जाएगा, क्योंकि पावर बैंक से अपने फ़ोन में खींचते हुए आपके कुछ मेगाहर्ट्ज़ जल जाते हैं, ट्रैवलिंग चल जाता है, इसके वजह से वो पूरा चार्ज नहीं हो पाता है। मैं कुछ डिसएडवांटेजेस आपको बता चुका हूँ। प्लीज़ यूज़ करने से पहले कुछ बात ध्यान में रखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।